नमस्कार दोस्तों, मेरी इस प्राकृतिक रसोई में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको रबड़ी घेवर बनाना बताऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाने के लिए दूध ले लेंगे। दूध हम मैंने 2 लीटर लिया है। रबड़ी बनाने की वीडियो मैंने पहले भी डाल रखी है, वो मैंने मटके में बनाई थी, आज मैं कढ़ाई में बनाऊंगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में दूध को डालेंगे। ये दूध मेरा एक बार पहले का भी गर्म है और मलाई के साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं दूध उबल रहा है। अब मैं इसमें थोड़े से धागे केसर के डाल दूंगी और इसको चला दूंगी। चला के बिल्कुल धीमा कर दूंगी, धीमी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये रबड़ी बने, और बीच बीच में हम इस तरीके से चलाते रहेंगे। इसको दूसरी गैस पर रख देंगे और अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने गैस के ऊपर भगोना रख लिया है। भगोने में मैं 1 कप पूरा जो है वो चीनी डालूंगी और 1/2 कप मैं इसमें पानी डालूंगी। चीनी को मेल्ट करना है, चीनी को बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, चीनी मेल्ट होगी तो पानी खुद ही छोड़ेगी। और अब हम गैस ऑन कर देंगे। हमको 1 तार की चाशनी बनानी है। गैस ऑन करके हम इसको हिलाते हुए ऐसे चीनी को मेल्ट करेंगे। हमारी चीनी पूरी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा इलायची कूट के मैंने रखी थी वो डाल दूंगी, थोड़े से केसर के धागे डालूंगी और अब हम चेक करेंगे चाशनी को। हमको सिर्फ 1 तार की चाशनी चाहिए। थोड़ा सा और पकाएंगे इसको। 1 तार की चाशनी इसलिए कि थोड़ी चाशनी इसकी गाढ़ी रहती है, तो 1 ही तार की चाशनी हमको रखनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से 1 तार उठने लगा है और मेरी उंगलियां जो है वो चिपकने लगी हैं और गाढ़ी हो गई, चाशनी गाढ़ी हो गई है। और हम अभी ठंडा करेंगे तो और भी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए अब इसी जगह पर हम इसको बंद कर देंगे और इसको ठंडी होने के लिए रख देंगे। हमने चाशनी को बंद कर दिया है। अब इसके अंदर 1/2 नींबू डाल देंगे ताकि हमारी जो चाशनी की चीनी है वो जमे ना, और इसको मिला देंगे। मिला के इसको अलग रख देंगे और अब हम अपनी रबड़ी चेक करेंगे। आप देख सकते हैं जो दूध मैंने रबड़ी के लिए चढ़ाया था वो 1/2 हो गया है पक उबल के। अब क्योंकि मैं चला रही हूँ इसको लगातार, इसलिए मैंने तेज आंच करके रखा हुआ है। अब इसमें मैं 1 कप ये मिल्क पाउडर डाल रही हूँ ताकि जल्दी से ये गाढ़ा हो जाए। इसको मिक्स कर देंगे इसके अंदर, और 3 चम्मच मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। बहुत ज़्यादा चीनी इसके अंदर नहीं मिलानी है। ये जो चम्मच हम लोग जिससे खाना खाते हैं उसी चम्मच से मैंने 3 चम्मच इसके अंदर चीनी डाली। अब इसको चलाते रहेंगे और गाढ़ा कर लेंगे। आप देख सकते हैं दूध बहुत गाढ़ा हो गया है, हमारी रबड़ी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये जब ठंडा होगा तो और भी गाढ़ा होगा। तो मैं गैस को बंद कर रही हूँ और रबड़ी हमारी तैयार हो गई। अब हम घेवर की तरफ चलेंगे। घेवर बनाने के लिए जो बैटर हमको तैयार करना है उसके लिए मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। 1 चम्मच जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच से हमने 1 चम्मच बेसन लिया है, 1/2 नींबू का रस लिया है, 1 कप मैंने जो ये कप हमने मैदा लिया है उसका 1/2 कप मैंने ठंडा दूध लिया है। ये उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा था, बिल्कुल ठंडा दूध है। और इससे छोटा कप जो है वो मैंने 4 चम्मच जो हम खाना खाते हैं 4 चम्मच ये जो घी है, ये जो हम खाना खाते हैं इसी चम्मच से 4 चम्मच घी है, और ये 1 चम्मच इसी चम्मच से बेसन है। तो ये हमारा इंग्रेडिएंट्स है घेवर का बैटर बनाने के लिए। तो चलिए हम बैटर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने घी लिया था उसको देखिए मेल्ट कर लेना है, उसको जमा हुआ घी नहीं चाहिए। और हमने मिक्सी का जार ले लिया है, बड़ा जार लीजिए आप, उसके अंदर मैं घी को डाल दूंगी। अब इसी जार के अंदर हम ये 5 क्यूब जो है बर्फ की डालेंगे और इसको हम मिक्सी पे चलाएंगे। चलिए हम आपको चला के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं हमारा घी बिल्कुल मक्खन के जैसा हो गया है। इसका प्रोसेस को करने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि जो दाना होता है घी के अंदर वो बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए और घी बिल्कुल मक्खन की तरह हो जाना चाहिए। तो आप देखिए बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे। अब जो हमने मैदा लिया था इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे 1-1 चम्मच करके, और इसको फिर से ग्राइंड करेंगे। इसको मैं ग्राइंड करके लाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा मैदा डाल के ग्राइंड किया है, तो बिल्कुल मैदा इसके अंदर मिक्स हो गया। इसी तरीके से बाकी भी फिर थोड़ा हम डालेंगे और फिर से ग्राइंड करेंगे, और तब तक इतना ही मैदा डाल के 1-1 चम्मच मैदा डाल के बार बार इसको हम ग्राइंड करके पूरा जो मक्खन है वो मैदे में मिक्स हो जाए, इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको चला लिया है, मैदा बिल्कुल घी में मिक्स हो गया है। जैसे हम मोयन डालते हैं उसी तरीके से इसको हमको चला चला के बिल्कुल मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर जो ये बेसन मैंने रखा था इसको भी डाल देंगे और इसको भी चला लेंगे। अब इसके अंदर मैंने जो दूध रखा था ठंडा इसको डाल देंगे और इसको चलाएंगे। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारा पिस गया है, जो बैटर है मैदे का हो गया है। अब इसमें हम बिल्कुल ठंडा पानी डालेंगे, मैंने फ्रिज में पानी रख रखा था, ठंडा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसी तरीके से इसको पीसते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बिल्कुल पतला बैटर बनाना है। आप देख सकते हैं मैंने फिर से चलाया है बैटर और इस तरीके से हो गया है।
अभी इसी तरीके से है, बिल्कुल ठंडा पानी इसके अंदर डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको पतला करेंगे, बार बार डालेंगे पानी और बार बार इसको हम चलाएंगे। तो ये मैं दूसरी बार पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। इसी तरीके से मैं आपको पूरा बैटर बन जाता है, फिर दिखाती हूँ कितना पतला बनाना है इसको। इसको बार बार पानी डालकर चलाने का बस एक ही उद्देश्य होता है कि इसमें लम्स ना पड़े और बराबर एक तार में बैटर बन जाए। आप देख सकते हैं मैंने इसको पतला बैटर बना लिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे मट्ठा हम पीते हैं उस तरीके का बैटर होना चाहिए। इस बैटर को बनाने में मुझे इस कप से 3.5 कप पानी मैंने डाला है ठंडा, और 1 कप दूध डाला है। अब जो हमने नींबू का जूस निकाल के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे और एक बार इसको और चला लेंगे। नींबू का जूस डालने से अच्छा क्रिस्प आता है, इसलिए इसमें नींबू का जूस डालते हैं। अब इस बैटर को हम ये एक बर्तन लेंगे, फ्राई पैन लेंगे या चाहे कुछ भी आप ले लीजिए, उसके अंदर इसे तरह से छान लेंगे ताकि अगर मान लीजिए कोई गुठली रह भी जाए तो वो निकल जाए इसमें। बिल्कुल क्लियर बैटर हमारा बन गया है। अब इसको हम जब तक हम इसको बनाने का प्रोसेस करते हैं तब तक हम इसको फ्रिज में रख देंगे, बिल्कुल भी इसको गर्म नहीं होने देंगे, ठंडा ही रहने देंगे। तो हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, बाकी प्रोसेस हम शुरू करते हैं। घेवर बनाने के लिए आप जो बाज़ार में घेवर बनाते हैं हलवाई लोग, वो मोल्ड रखते हैं घेवर बनाने के लिए, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं तो हम इस तरह के भगोने में, बड़ा बनाना है तो बड़े भगोने में, छोटा बनाना है तो इस तरह का छोटा भगोना ले लीजिए, और अगर कढ़ाई में बनाना है तो आप इस तरह की कढ़ाई में ही बना सकते हैं, आप जिसमें चाहें उसमें बना सकते हैं। मोल्ड लेने का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि उनकी कढ़ाइयाँ बड़ी होती हैं और उसमें कई मोल्ड ला के वो एक साथ कई घेवर बनाते हैं। हमको घर में बनाना है तो हम एक एक करके भी बना सकते हैं। ये जो बैटर है इसको मैं इस तरीके की बॉटल में डालूंगी, इसका ये ढक्कन है, इसमें होल है, तो एक तार में जो बैटर है वो घी के अंदर गिरता है। आप कलछी से भी इस तरीके से डाल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, और आप इसको बिसलेरी की बोतल में होल करके भी डाल सकते हैं। देख लीजिए बैटर बिल्कुल कैसे गिर रहा है हमारा, और कलछी पे बिल्कुल भी टिक नहीं रहा है, इस तरीके से होना चाहिए। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ, मैंने बोतल में भर लिया है, और जो बचा हुआ बैटर है उसको मैं फ्रिज में डाल दूंगी। आज मैं आपको इस छोटे भगोने में छोटे घेवर बना के बताऊंगी कैसे बनाना है। तो इसको हम अच्छे से गर्म करेंगे, भगोना छोटा है इसलिए मैंने आँच को थोड़ा मीडियम करके रखा हुआ है, मतलब हल्का कम किया है ताकि बाहर आँच ना निकले, और घी अच्छे से गर्म हो जाए। पहले घी में जब धुआं उठने लगा है और अच्छा बुलबुले उठने लगे तब मैं इसके अंदर बैटर डालूंगी। घी अच्छा गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर ऐसे ऊंचाई पे रख के बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। अब देख रहे हैं किस तरीके से बुलबुले उठेंगे, और हमको बीच में जब ये बुलबुले छांक जाएंगे फिर से डालना है। हम अच्छे से इसको पका लेंगे अंदर डुबो के, और आँच को धीमा कर देंगे, मीडियम कर देंगे, धीमा नहीं करेंगे, तेल ठंडा नहीं होना चाहिए। जहाँ जहाँ पे पका नहीं है वहाँ वहाँ पे हम इसको डुबो डुबो के घी में पका लेंगे। हमको इतना ही सुनहरा चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। ये अच्छे से पक गया, अच्छी जालियाँ पड़ गई हैं इसके अंदर। अब हम इसको इसका घी अच्छे से निचोड़ लेंगे इसी तरीके से, थोड़ा सा इस पर रख के, और आँच को मैंने इस समय बिल्कुल धीमा करके रखा हुआ है क्योंकि हम अभी बैटर नहीं डाल रहे हैं। आप देखेंगे इसमें घी बहुत ही कम लगता है। इसको हम जाली के ऊपर ऐसे ही रख देंगे ताकि इसका घी जो है वो एक्स्ट्रा जो घी है वो नीचे प्लेट में निकल जाए।
मैंने इस तरह की जाली ले रखी है, इसके अंदर मैं इसको डाल दे रही हूँ ताकि इसका घी एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर निकल जाए। अब हम इसमें दोबारा भी आपको इसी तरह से बना के दिखाते हैं, दोबारा भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। हमने गैस की फ्लेम को तेज कर दिया है और हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम इसी तरीके से इसको ऊपर से डालेंगे। मैंने इसको इसी में उल्टा कर दिया है, उल्टे हिस्से से भी आगे का हिस्सा थोड़ा अच्छे से क्रिस्प हो जाए। उसके बाद इसको हम ऐसे करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं आगे भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। अब इसका घी हम अच्छे से निचोड़ लेंगे इसके अंदर और इसको निकाल के उसी जाली में रख देंगे। और इसी तरीके से हम बाकी के बचे हुए बैटर का घेवर बना के रखेंगे। आप देख सकते हैं 200 ग्राम में 4 घेवर बनकर तैयार हुए हैं और घेवर में बहुत अच्छी जाली पड़ी है, बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत डेलिकेट होते हैं। तो चलिए मैं इसको आपको चाशनी और रबड़ी डाल के दिखाती हूँ। घेवर को चाशनी और रबड़ी तभी डालते हैं जब हम इसको खाएंगे, बाकी आप स्टोर करके रख दीजिए। जब आपको खाना हो तब इस पर चाशनी डाल दीजिए और उसी समय इस पर रबड़ी डाल दीजिए। ये जो हमने चाशनी बना के रखी थी इसको हम ऊपर से इस तरीके से थोड़ी थोड़ी करके डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो हमने रबड़ी बनाई थी, इसको हमने फ्रिज में रख दी थी। अब इसको हमने फ्रिज से निकाल के रबड़ी की पूरी लेयर इसके ऊपर लगानी है। देखिए गाढ़ी हो गई एकदम, इसको हम इस तरीके से पूरा फैला देंगे इसके ऊपर। इतनी ही गाढ़ी रबड़ी हमको चाहिए इस पर लगाने के लिए ताकि ये इसके होल से नीचे की तरफ ना गिरे। अगर इसमें दूध रह जाएगा तो रबड़ी जो है नीचे की तरफ होल से गिरना शुरू हो जाएगी, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी पूरी हमने अच्छी तरह से इस रबड़ी को फैला देना है। अब इसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आपको काजू, बादाम, पिस्ता जो भी पसंद है वो ड्राई फ्रूट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। कुछ धागे केसर के ऊपर से डाल दीजिए और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ इसके ऊपर हम डाल देंगे। मैं ताज़ा गुलाब तोड़ के लाई हूँ गार्डन से, इसको हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको गुलाब की पंखुड़ियों से सजा दिया। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, रबड़ी के साथ तो और भी अच्छा लगता है। आप इसको ऐसे भी चाशनी डाल के खा सकते हैं, रबड़ी नहीं भी डालना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तब घेवर ऐसे भी खाया जाता है चाशनी डाल के। ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए घर के अंदर, और कैसी बनी है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगा है इसके अंदर। आप देख सकते हैं ये हमारे भगोने में घी इतना अभी बचा हुआ है। तो आप इसको ज़रूर बनाइए, खाइए, कैसा बना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और जब तक मैं नई वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए नमस्कार।